और फिर आगे बढ़ते हुए हम पहले चित्र में वापस जाएंगे और आपको बताती हूँ कि ये क्या है। हमारा पहला ग्रह मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह है। अब हम कंफ्यूज क्यों हो गए थे कि ये चांद है या वो चांद है, इसका दोनों दिखने में सेम दिखते हैं। ठीक है, अब ये सेम क्यों दिख रहा है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे ये गड्ढे बने हुए हैं जिससे हमें ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं। अब ये गड्ढे बेसिकली क्या होते हैं, इन्हें इंग्लिश में साइंटिफिक लैंग्वेज में क्रेटर्स कहते हैं। ठीक है, क्रेटर्स जो है ये मीटियर इंपैक्ट्स के कारण होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आसमान में बहुत सारे जो पत्थर है, छोटे छोटे पत्थर जिसे कॉमेट का जो कचरा होता है, डेब्रीज होते हैं, डेब्रीज कहते हैं वो कचरे को, तो ये डेब्रीज है वो इधर उधर फैली हुई होती है स्पेस में। और जब भी कोई ग्रह या कोई उपग्रह उसके पास से गुजरने की कोशिश करता है तो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उसे अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, अब जब पृथ्वी के इर्द गिर्द अगर कोई ऐसे डेब्रीज या कचरा पड़ा है और वो अपनी पृथ्वी की ओर आने की कोशिश करता है तो क्या होता है कि हमारी पृथ्वी के इर्द गिर्द जो है वातावरण की मोटी सी परत है जो उसे अंदर आने से रोकती है, और फिर भी अगर कोई अंदर आने की कोशिश करता है तो वातावरण उसे जला देता है। और वही जो जलने वाली लकीर है रात के आसमान में हम उसे टूटता हुआ तारा कहते हैं। ठीक है, अब अगर कोई बुध या फिर चांद के ऊपर जाए तो उन्हें ये टूटे हुए तारे नहीं दिखेंगे, क्योंकि वहां पे बिल्कुल भी एटमॉस्फेयर या फिर वातावरण की परत नहीं है। तो जो भी ऑब्जेक्ट ऐसे आसमान में घूम रहे हैं ये सीधे आके उनकी जमीन पे गिरते हैं जिस कारण ये गड्ढे बनते हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा जो क्रेटर है इसका नाम है कैलोरीस बेसिन। ये लगभग 1500 किलोमीटर उसका जो डायमीटर है, व्यास जो है ये 1500 किलोमीटर है, यानी कि लगभग यहाँ से दिल्ली तक की दूरी, इतना बड़ा वो क्रेटर है। ठीक है, बुध की और दो खासियत है। पहली खासियत तो ये है कि ये सबसे ज्यादा तेज घूमने वाला ग्रह है। जितने समय में हमारी पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगा चुकी होती है, हमारी पृथ्वी का एक चक्कर जो है कल ही रात को पूरा हुआ और आज हमारा नया साल शुरू हुआ है, हमारे एक साल के अंदर बुध जो है उसके सूरज के इर्द गिर्द चार चक्कर हो जाते हैं, मतलब वो चार बार घूम लेता है, इसलिए उसे फास्टेस्ट प्लैनेट या फिर सबसे तेजी से घूमने वाला प्लैनेट भी